हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन क्लास 10 अड्डा। आई होप आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आज हम करने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 2 द थीव स्टोरी। सो बाकी के चैप्टर्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जो आप लोगों की टर्म 1 के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। प्लेलिस्ट लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो ये चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसको लिखा किसने है, रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, इसके अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, हरी एंड अनिल। हरी जो है इसके अंदर थीफ है, और अनिल जो है जिसको वो रॉब करता है, यानी जिसके घर पर चोरी करता है। सो इसके अंदर जो हरी है ना, वो एक बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा लड़का है जिसको जो है चोरी करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और जो अपना नेम भी बार बार बदलता रहता है। तो जो इसका नाम हरी है ना, ये भी इसने हमें झूठ बताया, लेकिन हमें पूरे चैप्टर में नहीं पता लग सका है कि इसका चैप्टर क्या है। सो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि जो एक थीफ स्टोरी क्यों बोला गया है, जो हरी है वो कैसे पूरी लाइफ अपनी चोरी करता है। पूरी लाइफ का क्या, 15 ईयर्स का ही एक लड़का होता है और वो काफ़ी सालों से चोरी करता है, लेकिन अनिल के घर पर रहकर वो कैसे उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो क्या चेंज आता है और कैसे चेंज आता है, तो चलिए डिटेल में करते हैं। और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो चलिए चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं, द थीफ स्टोरी। यहाँ पर जो है जो थीफ है वो जो है अपनी स्टोरी खुद ही नरेट करता है। सो जो हरी है वो कहता है, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। वो कहता है कि मैं चोर ही था जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15, और वो कहता है कि वो 15 ईयर्स का ही था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वो कहता है कि चोरी करते हुए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था उसको, तो इट मीन्स वो काफ़ी सालों से चोरी कर रहा है। सक्सेसफुल हैंड का मतलब है कि वो जो भी चोरी करता था सक्सेसफुली उसको कर लेता था और कभी पकड़ा नहीं गया। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। जब वो अनिल से मिलता है तो वो एक रेसलिंग का मैच देख रहा होता है। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, वो उसको बताता है कि जब मैं उससे मिला तो अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। ही वॉज अबाउट 25, और जो अनिल होता है ना वो 25 ईयर्स का होता है। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा सा अच्छा सा आदमी होता है, मतलब लड़का होता है। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग का मतलब है कि बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, वो कहता है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दयालु है और बहुत ज़्यादा सिंपल सा मैन है। और वो कहता है कि जो उसका पर्पज़ था, यानी कि हरी का पर्पज़ क्या था, चोरी करना, तो वो लगता उसको लगता था कि इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल सादा सा आदमी है। आई हैडन्ट मच लक ऑफ लेट एंड थॉट, उसने सोचा कि मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई, और उसने आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। मतलब वो कहता है कि मतलब मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस आदमी का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। वो उसको बोलता है अनिल को कि तुम तो एक रेसलर लगते हो। अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स दम इन मेकिंग फ्रेंड्स। वो कहता है, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, तो वो कहता है कि जब हम किसी के से चापलूसी करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स जो है ना थोड़े जल्दी बन जाते हैं, अगर हम उनकी तारीफ कर देंगे। तो ऐसा ही वो अनिल के साथ करता है, और वो उसको बोलता है कि तुम भी एक रेसलर ही लगते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अनिल ने भी उसको कह दिया, तुम भी एक रेसलर लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए सोचता है यार ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, क्योंकि जो हरी होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्किनी सा लड़का होता है, बहुत ही दुबला पतला, तो उस दुबले पतले को भी उसने कह दिया कि तुम रेसलर लगते हो, है ना। तो फिर उसको ऐसा लगा कि यार ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। वो क्या बोलता है, मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा क्या था, पतला सा दुबला सा था। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो वो धीरे से ऐसे बोलता है कि हाँ मैं भी कभी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ। फिर वो उससे पूछता है, अनिल व्हाट इज योर नेम। वो कहता है, हरी सिंह, आई लाइड। वो हमें ये भी बता रहा है कि मैंने जो है झूठ बोला, आई लाइड। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। वो कहता है कि मैं हर महीने जो है नया नाम लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज। वो कहता है जिससे कि है मैं पुलिस से भी बच जाता हूँ, और जहाँ पर मैंने पहले एम्प्लॉयमेंट किया होता है वो लोग भी मुझे पहचान नहीं पाते। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग। वो कहता है, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। फिर उसके बाद ना वो लोग रेसलिंग जो हो चल रही होती है ना उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। तो अनिल कहता है कि मतलब ये लोग कैसे एकदम अपनी बॉडी पैन ऑयल वॉयल लगाकर मसाज वसाज कर कैसे एक दूसरे को ऊपर नीचे पटक रहे हैं। तो फिर वो उनकी रेसलिंग के बारे में बात करने लग जाता है।
आई डिडंट हैव मच टू से, वो कहता है हरी कि मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए तो नहीं था. सो अनिल जो है वहाँ से चला गया. आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसको फॉलो करने लगा कि वो कहाँ जा रहा है. और दोबारा से मैंने उसको बोला हेलो अगेन, मतलब मैंने उसको दोबारा से हेलो बोला. ही सेड आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, वो ना उसको बहुत ज़्यादा अपीलिंग सी स्माइल देता है एकदम अपनी तरफ से. तो वो सोचता है कि बस मैं उसको ऐसी स्माइल दे दूँ, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो उसको एक फेक स्माइल दे रहा है. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, वो कहता है कि अनिल को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल कहता है कि ठीक है लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं मतलब तुम्हें पैसे नहीं दे सकता तुम जो भी काम करोगे. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, फिर वो कहता है हरी कि मैंने एक मिनट के लिए सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, आई आस्क कैन यू फीड मी, वो कहता है कि शायद इस आदमी को जज करने में मेरे से कोई गलती हो गई. लेकिन फिर भी वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे पैसे मत देना, लेकिन क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो. तो अनिल उसको आगे से कहता है कैन यू कुक, तुम खाना बना सकते हो. तो वो हरी कहता है आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, वो कहता है मेरे को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि हाँ मैं खाना बना लूंगा. उसने फिर से क्या बोला, झूठ बोला. तो अनिल कहता है इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो अनिल कहता है अगर तुम खाना बना लोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बेल्कनी, तो वो जो है उसको जमुना स्वीट शॉप होगा ना उसके ऊपर उसका जो है वो घर होगा, ठीक है. तो वो कहता है कि वहां पर मैं उसको मतलब अनिल जो है हरी को ले गया और उसने बोला कि मतलब तुम रूम तो एक ही था उसके पास क्योंकि वो अकेला ही रहता था और वो भी मतलब ऐसा था कि मतलब वो ज्यादा कोई रिच नहीं था. तो वो कहता है कि ठीक है तुम ना बाहर बेल्कनी में सो जाना. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. वो कहता है लेकिन जो मैंने उस दिन खाना बनाया ना, बस वो पूछो मत, वो इतना ज़्यादा खराब खाना बना था कि अनिल को वो खाना जो है गली में डॉग्स को देना पड़ा और उसने जो है हरी को बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और अपनी वही most appealing सी smile उसको देता रहा और वो मतलब उसको अनिल को भी हंसी आ गई. तो उसके बाद लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसके बाद उसने उसके सिर पर थोड़ा सा सहलाया एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, वो कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना जो है वो सिखा दूंगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू एड नंबर, वो कहता है कि अब वो उसको पूरे पूरे सेंटेंसेज भी सिखाएगा जल्दी और नंबर एड करना भी सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, वो कहता है कि अगर मैं भी एक एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा तो मैं भी जो चाहूंगा वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ, एक एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो उसको लिखना भी सिखाता है इस फोटो में. उसके बाद इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, उसको ना अनिल के लिए काम कर अब खुशी महसूस होने लगी. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टॉक टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे. उसके बाद वो कहता है कि मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता था, घर का काम करता था और जो बाहर बाजार से जो भी सामान लाना होता था घर का जैसे राशन पानी, तो वो मैं लेकर आता था. अनिल जो मुझे पैसे देता था उसमें से मैं एक रुपये जो है वो बचा लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, वो कहता है अनिल को शायद ये बात पता थी कि मैं ऐसे पैसे बचाता हूँ लेकिन वो मुझे कभी कुछ नहीं कहता था, वो कभी माइंड नहीं करता था, उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा. उसके बाद वो कहता है अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब है कि अनिल को भी पैसे ऐसा नहीं है कि रोज ही आ रहे थे, मतलब कभी कभी उसको पैसे आ जाते थे. वो ना शायद किसी बुक में पब्लिश वगैरह करता था या कुछ ऐसा काम करता था तो वो जो है उसको कभी पैसे आ जाते थे और कभी नहीं आते थे. ही वुड बोरो वन वीक, एक हफ्ते वो किसी से पैसे लेता था, लेंड द नेक्स्ट और अगले हफ्ते जो है उन पैसों को जो है वापस कर देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, तो मतलब उसको हमेशा चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा. बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक लिविंग, वो कहता है कि लेकिन वो अपने चेक का वेट करता था लेकिन जैसे ही उसको चेक मिलता था वो जाता था सेलिब्रेट करता था पार्टी वगैरह करता था और फिर आ जाता था और ऐसा लगता है कि वो किसी ना मैगजीन वगैरह के लिए लिखता था अपनी जो है अर्निंग सोर्स कमाने के लिए. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, एक दिन वो ना एक नोट्स के बंडल के साथ आता है, छोटा सा उसके हाथ में बंडल होता है और वो कहता है कि उसने ना पब्लिशर्स को जो है एक ना बुक जो है अपनी बेची है.
एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. उस दिन उसने उसको रात को देखा अनिल हरी ने कि अनिल ने वो पैसे ना अपनी मैट्रेस के नीचे छुपाए हैं. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. वो एक महीना हो गया था हरी को अनिल के पास काम करते हुए. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मतलब वो वहाँ पर उसको शॉपिंग पर भी चीटिंग करता था, ऐसे वो एक रुपया बचा लेता था. हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. वो कहता है कि सिर्फ उन पैसों को चुराने के अलावा मैंने आज तक हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क का मतलब है कि जो काम उसका था ना चोरी का, उस लाइन में उसने अभी तक अनिल के घर में ऐसा कुछ भी नहीं किया था सिवाय उन पैसों के, उन खर्चे में से बचाने के. वो कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे अपॉर्चुनिटी भी बहुत बार मिली. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, वो मुझे अपने घर की चाबी भी दे देता था. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. वो कहता था कि मैं घर खोलकर अंदर आकर और जो मुझे चाहिए था वो लेकर मैं खुशी खुशी जा भी सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. लेकिन वो कहता है कि जो अनिल था ना वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था जिससे मैं आज तक पहली बार मिला था, जिसने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं उसके घर पर चोरी करूँ. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. एक लालची आदमी को चोरी करना उसके घर में आसान होता है बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बिकॉज वो चोरी करना जो अफोर्ड कर पाता है. बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन वो कहता है कि जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके पैसे कहाँ गए कैसे गए, उसको चोरी करके भी क्या फ़ायदा. समटाइम ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. लेकिन वो कहता है कि अगर वो नोटिस ही नहीं करेगा कि उसके घर में चोरी हुई है तो मेरे को मतलब अपने काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा, या अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसको भी मज़ा नहीं आएगा. सो वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. अब वो कहता है कि अब ये टाइम था कि मुझे अपना काम तो करना ही है, जो मेरा प्रोफेशन है वो तो मुझे करना ही है. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी. वो कहता है आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मैं अपनी फील्ड से परे भाग रहा हूँ, मतलब अपने ट्रैक पे नहीं जा रहा हूँ जो मेरा चोरी का ट्रैक है. सो अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर मैं पैसे नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी. वो कहता है कि अगर मैंने इसके पैसे चोरी नहीं करे ना, ये अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही वेस्ट करेगा, पार्टी करेगा, सेलिब्रेट करेगा, पैसे उड़ा देगा, और वो तो मुझे पे भी नहीं करता. मैं तो उसके घर काम करता हूँ, मुझे पेमेंट भी नहीं देता है. सो अनिल वॉज अस्लीप. वो कहता है अनिल जो है वो सो गया था. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बेल्कनी. बेल्कनी से जो है मूनलाइट आ रही थी एंड फेल ऑन द बेड. उसके बेड पर जो है पड़ रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. मैं फ्लोर के ऊपर लेटा. कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैंने सिचुएशन को देखा. इफ़ आई टुक द मनी, कि मैं पैसे निकाल सकता हूँ या नहीं. आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. फिर वो सोचते कि अगर मैं अभी पैसे ले लूँगा तो मुझे जो है एक लखनऊ के लिए ट्रेन मिल जाएगी. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो अपने ब्लैंकेट से चुपचाप से निकलता है. आई क्रैप्ट अप टू द बेड, मतलब रेंगता हुआ अनिल के बेड की तरफ जाता है. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, वो बहुत आराम से सो रहा होता है. हिज फेस वॉज क्लियर, उसका फेस एकदम क्लियर होता है, अनलाइंड होता है, उसके फेस पर कोई रिंकल्स नहीं होते. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. 15 years का था लेकिन मेरे फेस पर फिर भी मार्क थे क्योंकि उसको चोटें वगैरह लगी होंगी ना. काम ही ऐसा करता था चोरी का, तो कभी गिर जाता होगा या किसी से मार खा लेता होगा, तो उसके फेस पर भी इतने मार्क्स थे. लेकिन अनिल के फेस पर कुछ भी नहीं थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर उसका फेस था. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा निशान थे. My hand slid under the mattress. मैंने अपने हाथ को जो है उसके mattress के नीचे डाला. Searching for the note. पैसों को ढूंढने लगा. When I found them, जब मुझे मिल गए. I drew them out without a sound. मैंने उनको बाहर निकाल लिया बिना किसी आवाज़ के. Anil sighed in his sleep. वो अपनी sleep में मतलब थोड़ा सा ना side मतलब खांसता है, देखता है, मतलब थोड़ा सा ना हल्का सा हिलता है. And turned on his side. और करवट ले लेता है उसकी तरफ, towards me, मतलब हरी की तरफ. I was startled and quickly crawled out of the room. वो डर जाता है, शॉक लगता है, तो वो एकदम से क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ जाता है. When I was on the road, अब जब वो रोड पर पहुंच गया, I began to run, वो भागना शुरू कर देता है. I had the notes at my waist. उसकी वेस्ट यानी कमर पर उसने जो है अपने जो भी उसने लोअर या पेंट जो भी पहना होगा उसमें वो पैसे फंसा लेता है. Held there by string of my pajamas. अच्छा, यहाँ पर उसने बोला स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, अपने पजामे के नाड़े में वो पैसे बांध लेता है. I slowed down to a walk. उसके बाद वो अपनी चाल थोड़ी सी धीरे कर दे रहा है एंड काउंटेड द नोट. उसके बाद नोट काउंट करता है तो वो 600 रुपये इन 50s, यानी 50s के नोट में 600 रुपये होते हैं. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. और वो कहता है इन पैसों से तो मैं हफ्ते दो हफ्ते के लिए ना एक अरब की तरह, मतलब एक रिच अरब की तरह रह सकता हूँ. दो हफ्ते तक तो आराम से ये पैसे मेरे चल जाएंगे. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में कि वो कैसे उसकी मैट्रेस से जो है क्रॉल करता हुआ पैसे निकालता है. उसके बाद वो कहता है व्हेन आई रीच द स्टेशन, अब जब वो स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. मैं टिकट ऑफिस पर भी नहीं रुका क्योंकि वो बिना टिकट के बस ऐसे ही कर लेता है
मतलब ट्रैवल कर लेता है. आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ. वो कहता है मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदा. बट डैश ट्रेस टू द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म पर सीधा जाता है. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. तुमने देखा होगा ना ट्रेन जो है जब स्टार्ट होती है प्लेटफॉर्म से तो बहुत स्लोली स्लोली स्टार्ट होती है. तो वही जो है ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी चलना. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड मतलब अभी ट्रेन को स्पीड पकड़ना बाकी था. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप ऑन टू द कैरिएजेस वन ऑफ द कैरिएजेस. वो कहता है कि मैं ट्रेन के किसी भी एक डब्बे में चढ़ सकता था बहुत आराम से जंप कर. बट आई हैसीटेटेड. लेकिन मुझे ना हैसीटेशन हुई फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन. मतलब पता नहीं मैं ऐसा कर नहीं पाया और मुझे कुछ हैसीटेशन हुई कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ. और वो उसको कोई रीजन एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता. एंड लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और वो ट्रेन जो है वो निकल जाती है और वो भी वहां से भागने का जो मौका है उसका छूट जाता है. When the train had gone, अब ट्रेन चली गई. I found myself standing alone on the deserted platform. अब वो वहां पर जो है प्लेटफॉर्म पर अकेला होता है, कोई नहीं होता. I had no idea where to spend the night. उसे कोई आइडिया नहीं होता कि वो रात में कहाँ रुकेगा. I had no friend, believing that friend were more trouble than help. वो कहता है मेरा कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिसके पास मैं जा सकूँ. और जो दोस्त होते हैं ना वो हेल्प से ज्यादा जो है ट्रबल लेकर आते हैं. तो वो कहता है एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन एट द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और कहता है कि मैं ना मतलब हर लोगों के अंदर क्यूरियसिटी भी नहीं डालना चाहता था कि इतना छोटा बच्चा जो है स्टेशन के पास रात को अकेले होटल में रुककर क्यों रुका है, किसके साथ आया है, कैसे आया है. तो वो वहां पर भी नहीं रुकता. वो कहता है द ओनली पर्सन आई नू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. वो कहता है मैं सिर्फ उसी को जानता था बहुत अच्छे से और वो था अनिल जिसके घर मैंने अभी अभी चोरी की है. लीविंग द स्टेशन, वो स्टेशन को छोड़कर आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. बाजार की तरफ से वो चलने लगता है. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, वो कहता है कि जब मेरा चोरी का करियर था ना, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस. मैंने ना लोगों के चेहरा पढ़ना सीख लिया कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है. वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपनी चीज़ों को खोते हैं या उनकी चीज़ें जब चोरी हो जाती है. द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है उसको डर लगता है. द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होता है वो गुस्सा दिखाता है. एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और पुअर मैन सोचता है एक्सेप्टेंस मतलब चलो ठीक है चोरी हो गया अब क्या कर सकते हैं. बट आई न्यू दैट अनिल फेस, वो कहता है लेकिन अनिल के फेस में वैन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब उसने चोरी करी, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है आपके लिए ये वाली लाइन कि वो कहता है नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. कि मतलब अनिल को ना पैसों से ज़्यादा किस चीज़ का दुख होगा कि मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, कि उसका भरोसा टूटा है. पैसों से उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा लेकिन उसका भरोसा टूटने का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. वो एक मैदान में जाता है और एक बेंच पर बैठ जाता है. द नाइट वॉज चिली, बहुत ज़्यादा ठंड होती है. इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर के शुरू के दिन होते हैं. एंड अ लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिसकम्फर्ट, और वहाँ पर जो है ना बिजलियाँ कड़कनी शुरू हो जाती हैं और उसको और ज़्यादा डिसकम्फर्ट फील होता है. सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, बहुत तेज बारिश होने लगती है. माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. वो कहता है कि इतनी तेज हवाएं चलने लगती हैं, बारिश होने लगती हैं, उसके जो कपड़े होते हैं उसकी स्किन से जो है ना चिपकने लग जाता है, इतनी बुरी तरह से वो भीग जाता है. एक तो पहले ही उसको ठंड लग रही होती है ठंड के मौसम में, ऊपर से बारिश में वो जो है वो भीग जाता है. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. वो क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ जाता है जाकर वापस से. द क्लॉक शोड मिडनाइट, आधी रात हो चुकी होती है. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर उसने नोट्स की तरफ देखा. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीग चुके थे. अनिल्स मनी, जो अनिल के पैसे थे. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. वो कहता है, फिर वो सोचने लगता है कि जब सुबह होती तो अनिल मुझे 2 या 3 rupees देता और कहता जाओ तुम सिनेमा में जाके पिक्चर देखाओ. बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मैं सब कुछ ले आया हूँ. आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर. वो कहता है अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता, बाजार भी नहीं जा सकता उसके लिए सामान लेने, और मैं लिखना भी नहीं सीख सकता सेंटेंसेस. उसने मुझे कहा था कि वो मुझे सिखाएगा, लेकिन अब अगर मैं ऐसे चोरी कर आ गया तो फिर वो मुझे कैसे सिखाएगा और मैं कैसे सीखूंगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. वो चोरी के एक्साइटमेंट, इन सब बातों को तो भूल ही जाता है. होल सेंटेंसेस, सारे पूरे पूरे सेंटेंसेस सिखाएगा. आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees. अगर मैं पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख जाऊंगा तो मैं तो एक दिन में पता नहीं ऐसे कितने नोट कमा लूंगा. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत आसान है. एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी बहुत मतलब
आसान बात है, बट टू बी अ रियली अ बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चलाक और इज्जतदार आदमी बनना वॉज समथिंग एल्स। ये तो कुछ अलग ही मतलब पहचान होगी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बोला, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब मतलब उसने बोला कि मुझे पढ़ना लिखना अगर सीखना है तो मुझे अनिल के पास जाना ही पड़ेगा। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वो कहता है किसी चीज़ को चुराना तो बहुत आसान है। मैं भागा भागा उसके कमरे पर गया, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन किसी चीज़ को चुराना इतना आसान है, लेकिन उसको वापस करना और बिना पकड़े जाए वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, देन स्टूड इन द डोर वे, और थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर खड़ा हुआ। इट क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड सी मूनलाइट थी, बादल घने छाए हुए थे। अनिल वॉज स्टिल असलीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं जो है बेड की हेड की तरफ गया, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मैंने नोट्स जो है वहाँ पर डाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर ना मैंने उसकी सांस को फील किया। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, उसके बाद जो है मेरा हाथ जो है मैंने बाहर निकाल लिया, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, उसके बाद उसने जो है नोट्स वहाँ पर रख दिए और अपने हाथ को भी बाहर निकाल लिया। I awoke late next morning, अगले दिन वो लेट उठा, क्योंकि पूरी रात तो उसका इसी समय चला गया ना, चोरी करना वापस करना। Morning to find that Anil had already made the tea, अनिल ने ऑलरेडी टी बना ली थी। He stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 रुपी note between his finger, उसकी उंगलियों में ना 50 रुपये का नोट था। My heart sank, मेरा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ एकदम से कि क्या है ये। I thought I had been discovered, उसे लगा कि वो पकड़ा गया है। I made some money yesterday, वो बोलता है मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अनिल बोलता है। He explained, now you will be paid regularly, अब मैं तुम्हें regular pay करूँगा। My spirit rose, मेरी तो जो आत्मा होती है खुश हो जाती है। But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain, वो कहता है जब मैंने वो नोट लिया ना वो अभी भी गीला था। Today we will start writing sentences, he said, और अनिल बोलता है आज से हम राइटिंग सेंटेंसेज लिखना सीखेंगे। He knew, बट neither his lips nor his eyes showed anything, वो कहता है कि उसे पता था कि मैंने चोरी करी है, क्योंकि नोट कैसे गिले होंगे, कोई बाहर गया होगा लेकर गया होगा तभी ना, और कौन लेकर जाएगा, हरी तो था। I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort, वो कहता है इस बार भी मैंने अनिल को जो है एक अपीलिंग सी स्माइल दी, लेकिन इस बार वो स्माइल बिना किसी दिखावट के, बिना किसी एफर्ट के थी, क्योंकि वो मेरी एक नेचुरल स्माइल थी, नेचुरल खुशी थी। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा लाइन वाइज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि जो हरी होता है वो एक थीफ होता है, और कैसे उसका जो है एकदम जो है गोल चेंज हो जाता है कि उसको अब एक एजुकेटेड मैन बनना है। अनिल उसके अंदर जो है पढ़ने की इच्छा जगा ही देता है कि वो चोरी करने के बाद भी जो है वापस से उसके घर जाता है और पढ़ना लिखना प्रेफर करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।